दोस्तों नमस्कार। बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल के आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव पे की है बड़ी कार्रवाई, महीने भर के लिए निलंबित किया। दोस्तों क्या कुछ मामला है आपको बताते चलें। किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव के खिलाफ कार्रवाई की है। यादव पर यह कार्रवाई लखीमपुर खीरी की हिंसा में मारे गए बीजेपी के एक कार्यकर्ता के घर जाने पर हुई। यादव को एक महीने के लिए निलंबित किया गया है। दोस्तों इस दौरान योगेंद्र यादव किसान मोर्चा की किसी भी बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। पंजाब के किसान संगठनों ने यादव के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। लखीमपुर खीरी की घटना में किसानों को गाड़ियों से रौंद दिया गया था। घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 4 किसान भी हैं। देख सकते हैं बीजेपी कार्यकर्ता के घर जाने पर योगेंद्र यादव के खिलाफ यहां पर कड़ा एक्शन लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक महीने के लिए निलंबित कर दिया है। यहां पर दोस्तों ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही थी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।